नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारतीय टीम एशिया कप के सुपर फोर में 3 में से 2 मुकाबले हार कर बाहर हो चुकी है। अब भारत अगला मल्टीनेशन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेगा। भारतीय टीम के अभी कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोट के कारण टीम से बाहर थे, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और हर्षल पटेल, लेकिन उम्मीद है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो फिट हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का 16 सितंबर को ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी आशीष नेहरा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है जो वर्ल्ड कप के लिए चुनी जा सकती है। आशीष नेहरा की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली है। ICC रिव्यू में बात करते हुए नेहरा ने अपनी 15 सदस्यीय टीम को चुना। नेहरा ने अपनी टीम में 3 तेज गेंदबाज को जगह दी, जिसमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह हैं। नेहरा का मानना है कि मोहम्मद शमी टेस्ट स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, इसलिए उन्हें चयनकर्ता टीम में नहीं चुनेंगे। ओपनर के रूप में आशीष नेहरा ने रोहित शर्मा और KL राहुल को ही चुना है। इसके बाद 3 नंबर पर विराट कोहली और 4 नंबर पर नेहरा ने शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव को रखा है। उसके बाद विकेटकीपर के तौर पर टीम में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को जगह दी है। इसके बाद ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और हर्षल पटेल को जगह दी गई है। वहीं स्पिन गेंदबाजी में अश्विन और जडेजा के साथ युजवेंद्र चहल को टीम में रखा है। आशीष नेहरा का मानना है कि युजवेंद्र चहल और जडेजा के साथ अश्विन भी वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनका मानना है कि अश्विन के पास इतना अनुभव है कि टीम को जब भी जरूरत होगी वो उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। एक बार आपको फिर से टीम बता देते हैं, जिसमें रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और दीपक हुड्डा हैं। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टीम में आप और किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, या फिर इस टीम में से किस खिलाड़ी को नहीं देखना चाहते हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।